फैमिली कैसे हैं आप लोग? सॉरी गाइस, मैं आप लोग से के लिए 2 दिन वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई। मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। आई होप आप लोग को ज़्यादा मिस नहीं हुआ होगा। लेकिन देखते हैं गाइस, आज डीएम की करंट एनर्जीज क्या है, डीएफ की और जर्नी की। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। क्या करें गाइस, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। यहाँ पर असेंशन सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं। अगस्त भी आने ही वाला है बहुत जल्दी, तो बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हो भी रहा है। यहाँ पर 8 अगस्त का पोर्टल भी बहुत ही जल्द आ जाएगा और मैं उसके लिए हीलिंग भी करवाऊँगी। फ़िलहाल गाइज मैंने 6 जून की हीलिंग के लिए मेंशन कर दिया है। पोर्टल हीलिंग होने वाली है और 300 रुपीज़ रहने वाला है पर पर्सन। और उसमें हम लोग करने वाले हैं मेडिटेशन और जो भी एनर्जीज है, जो भी ट्रिगर्स आ सकते हैं हमको 6 जून को, उससे पहले ही खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप करना होगा, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आप लोग के लिए आपको अपना जीपे नंबर दे दूँगी, आप लोग पे करके आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी मैं। और 6 जून रात को 9:30 बजे हम मेडिटेशन करेंगे पोर्टल हीलिंग को लेकर के। और उसमें बेसिकली क्या होने वाला है, हार्ट चक्रा की हीलिंग होने वाली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे गाइस दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डीएम बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है। और अभी उनको लग रहा है कि हे राम, मैं ये छुपा भी नहीं पा रहा हूँ, ये फीलिंग्स, ये सब कुछ, और वो कनेक्शन ख़त्म हो गया है। और वो उनको ऐसे लग रहा है कि भाई अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। वो थर्ड पार्टी हो जाएगी अगर वो आपके पास आ जाएंगे तो। उनकी शादी हो गई है, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हो और बहुत ज़्यादा आपको कोई भी मिल सकता है और आपके दिल में उनके लिए जगह ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, अपना बुझा हुआ दिया कैंडल देख रहे हैं। देखिए गाइस, जबकि डीएफ पीछे किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, ये स्पिल्ट मिल्क के ऊपर रोते हुए दिखाई दे रही है। ये एक ही हर्मिट कार्ड है जहाँ पे मुझे डीएम दिखाई देते कैंडल पकड़ते हुए जब बुझ गया है, और डीएफ किसी और के साथ एंजॉय करते हुए। ये एक ही ऐसा है जो डेक जो ऐसा दिखाता है। देखते हैं गाइस डीएफ क्या फील कर रही है। डीएफ को लग रहा है कि वो बंदी हुई है इस सिचुएशन में, स्टक है, क्योंकि डीएम कुछ ऑफर देता नहीं है और कोई और अपॉर्चुनिटीज उसके पास है नहीं। तो डीएफ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ के ऊपर स्टक फील करती है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज जो उसके लाइफ में आने वाले हैं वो चीज़ को वो हटा देती है। बहुत ज़्यादा परेशान होती है। टावर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टावर बहुत ज़्यादा जो बुरा हुआ है डीएफ के साथ इतने दिनों में, वो उस बुरे पे ही फोकस कर रही है, कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाह रही है, स्टक फील कर रही है। जस्टिस तो मिलने वाला है डीएफ को, लेकिन उनको ये सिर्फ फाइटिंग नज़र आ रहा है। डीएफ अभी तक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है और जो भी अपना बचा हुआ है यहाँ पर इस कनेक्शन में वो लेके भाग जाना चाहती है डीएफ इस कनेक्शन से। पहली बार ऐसा आ रहा है गाइस की डीएफ अपना जो कुछ भी है लेकर उस कनेक्शन से चले जाना चाहती है। जो कुछ भी उसके दिल बचा है, फीलिंग्स बची है, वो सब वो उस कनेक्शन से लेकर भाग जाने के प्रोग्राम में मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और डीएम है कि आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू एवरी डे एंड नाइट। तो कहीं ना कहीं हर दिन हर रात वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, आई जस्ट कैन अंडरस्टैंड यू। तो कहीं ना कहीं अब उनको आप समझ ही नहीं आते हो। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। तो डीएम को कहीं ना कहीं यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या चाहती हो तुम मुझसे, मुझे कौन सा एक्शन करना चाहिए, यही उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बातें उनको समझ में नहीं आ रही, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है गाइस, शो मी योर पावर एंड कॉन्फिडेंस एंड आई विल कम टूवर्ड्स यू। तो कहीं ना कहीं डीएम आपको कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई नो आई डोंट डिजर्व यू बट आई कैन डू एनीथिंग टू कीप यू। तो कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आई विश यू वॉक द स्ट्रीट्स होल्डिंग योर हैंड एंड शोइंग द वर्ल्ड यू बिलोंग टू मी।
कहीं ना कहीं गाइस वो ये चाहते ही है कि डीएम, क्योंकि हमने वो देखा और हर्मिट में वो चुप बैठे हैं क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि डीएफ तो भाग रही है तो मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज जो है बहुत ज्यादा मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है उनको कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी कह रहे हैं और फिर हम जा कैसे सकते हैं इस चीज को छोड़ करके। तो क्या चाहते हैं हम कि हम मतलब वो इतने कंफ्यूज्ड है, उनको यही बात नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग नहीं आ रहे इसलिए हम चले जा रहे हैं। तो ये चीज जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो मतलब जितना दे पाते हैं वो उनको लगता है वो उतना ही दे सकते हैं और हमको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमको क्या चाहिए उनसे वो ही उनको समझ में नहीं आता है कि हम ऐसे कैसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे जितना वो दे नहीं सकते और हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है ऐसा उनको लगता है। तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है उनके लिए। बट हाँ, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विथ यू, आई वॉन्ट टू डांस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पैरिस विथ यू। तो ये भी आ रहा है कि वो आपको पूरी दुनिया के सामने क्लेम करना चाहते हैं कि ये मेरी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप आखिर चाहते क्या हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि वो आखिर चाहती क्या थी मेरे से। तो गाइज आज इसके लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।